एक मिली वक्त के तहत करनाल लोकसभा का और रोहतक लोकसभा के प्रत्याशियों का मिली भगत से चयन किया गया। साथ ही साथ मुझे रणजीत सिंह के करीबी रिश्तेदार ने बताया है कि कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल के साथ वोटों की अदला बदली करने का काम किया गया, वहां उनको दिलवाने का काम किया गया, हिसार में लेने का काम किया गया। गुड़गांव में कमजोर प्रत्याशी देके, जहां कोसड़ी विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी की 80,000 वोटों से हार हुई थी, इस बार वहां से वो 80,000 की लीड खत्म हो गई, कुछ थोड़ी बहुत जीत दर्ज करने का काम किया गया है। जिस तरह से इस क्षेत्र में आपने पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान कैंपेनिंग की, भेदभाव नहीं रखा, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सच्चाई रखने की चीज थी जो लोगों में आप लेके गए, उसके लिए भी मैं आप सारे साथियों को बधाई देता हूँ। देश में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए और जो एक लक्ष्य था किसान का, मजदूर का, अक्षेत्रीय दलों का कि किसी भी तरह नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना है, उस लक्ष्य में आंशिक रूप से किसान मजदूर ने लड़ाई लड़के अक्षेत्रीय दलों का साथ लेके आंशिक रूप से सफलता भी प्राप्त की। और आज हालत यह है कि जो 400 पार की बात करने वाले लोग थे अक्षेत्रीय दलों के सहारे, उन्होंने अपनी सरकार को चलाना पड़ेगा। ये स्थिति और भी बढ़िया हो सकती थी और स्पष्ट रूप से इंडिया गठबंधन का जो बहुमत है वो हिंदुस्तान में आ सकता था, किसान कमेरे अल्पसंख्यक की सरकार बननी तय थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के नीतियों के कारण उस लक्ष्य को देश की जनता प्राप्त नहीं कर सकी। चाहे वो नीतीश कुमार को इसका इंडिया अलायंस का चेयरमैन न बना के उनकी बेइज्जती करके बाहर निकालने की बात थी, चाहे जो संस्थापक थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिन्होंने फतेहाबाद में इसकी नींव रखने का काम किया था, उनको एक साजिश के तहत बाहर रखने की बात थी। हरियाणा प्रदेश की तो मैं बात करूं तो 10 की 10 सीटें जीतना विपक्ष का यहां पे तय था। धीरे धीरे सारी बातें आम लोगों के सामने आ जाएंगी कि किन लोगों ने किसान और मजदूर को धोखा देने का काम किया है। यदि पूरी तरीके से जिस तरह रणनीति बनाने का काम इंडिया गठबंधन की शुरुआत की गई थी तो आज 10 की 10 सीटें हरियाणा जीतता। एक मिली वक्त के तहत करनाल लोकसभा का और रोहतक लोकसभा के प्रत्याशियों का मिली भगत से चयन किया गया। साथ ही साथ मुझे रणजीत सिंह के करीबी रिश्तेदार ने बताया है कि कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल के साथ वोटों की अदला बदली करने का काम किया गया, वहां उनको दिलवाने का काम किया गया, हिसार में लेने का काम किया गया। गुड़गांव में कमजोर प्रत्याशी देके, जहां कोसड़ी विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी की 80,000 वोटों से हार हुई थी, इस बार वहां से वो 80,000 की लीड खत्म हो गई, कुछ थोड़ी बहुत जीत दर्ज करने का काम किया गया है। चौधरी बंसीलाल के परिवार को जो बावरिया जी की सर्वे रिपोर्ट थी उसमें सबसे मजबूत दिखाया गया था, ये ऑन रिकॉर्ड उनकी कई भी बात है मीटिंग में जो सूत्रों से हमारे को भी पता चली है, उसके बावजूद उनकी टिकट कटवाने का काम किया गया। ये सारी बातें हरियाणा प्रदेश में ये दर्शाती हैं कि 10 की 10 सीटें यदि प्रदेश की आती और नीतीश कुमार इस गठबंधन में रहते तो स्पष्ट रूप से आज मोदी को सत्ता से बाहर होना था और इंडिया एयरलाइंस के अकेले अपने दम पर सरकार बननी थी। ये बात कोई कोरी राजनीतिक लफाजी के लिए नहीं कह रहा मैं, आज हरियाणा प्रदेश में जहां जहां कांग्रेस पार्टी जीती है पूरी तरह से इनका चुनाव किसानों ने और मजदूरों ने लड़ा है। ये तो दोपहर में एसी चला के अपने घर सुते हुए थे, इनके नेता भी और कार्यकर्ता भी,
60-63% की जो पोलिंग है ये साफ दर्शाती है, जब किसी भी पार्टी का एजेंट पोलिंग बूथों में नहीं था फिर भी ये अपनी पोलिंग नहीं करा पाए और 63% में पोलिंग रहेगी, जो स्पष्ट रूप से इनके संगठन की और कांग्रेस पार्टी की नाकामयाबी भी थी। किसानों को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूँ, हमारे मजदूर भाइयों को भी, दलित भाइयों को भी, कि उन्होंने हमारे जैसे नेताओं की बात को दरकिनार करके हुए एक लक्ष्य बना रखा था कि हमने मोदी को सत्ता से बाहर करना है, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के उन्होंने वोट करने का काम किया है। इसमें कांग्रेस पार्टी के लिए इतराने की कोई भी बात नहीं है। जहां तक नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, 85,000 वोटों में से सिर्फ 10,000 वोट मुश्किल से कांग्रेस के हैं, बाकी सारे इस लड़ाई में योगदान देने के लिए चाहे 55,000 लोकदल के वोटों की बात है, चाहे 10,000 के करीब कैप्टन अभिमन्यु का कम से कम वोट शिफ्ट हुआ है, 10,000 के करीब दादा रामकुमार गौतम का वोट भी शिफ्ट हुआ है, तो इस करके इस लड़ाई को जीतने का श्रेय नारायण में भी देता हूं मैं, किसान और मजदूर को देने का काम करूंगा। आपकी जो इनेलो पार्टी थी उसमें बहुत कम वोट लिए थी, इसका क्या वजह है? इसकी वजह मैं इतनी देर से आप लोगों के बीच में बताने का काम कर रहा हूं कि जब लोगों ने यह माना कि नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय स्तर पर जब इंडिया अलायंस फाइट में है, मेन लड़ाई में है, तो उन्होंने हमारे को भी ये कहा कि भाई विधानसभा में आपको वोट डाल देंगे, ये आप हमारे पर दबाव ना डालो, हमने इसको हरा लेने दे मोदी को, ये बात लोगों ने कही है, यही सच्चाई है। और पिछली बार आपने विधानसभा में देखा होगा 8,300-8,200 वोट कांग्रेस पार्टी के आए हुए हैं, उससे पिछली में देखा होगा तो 11,000 वोट आए हैं, यहाँ कोई कांग्रेस पार्टी का वोट ना था ना आगे रहना, ये तो बेगानी घोड़ी पर चढ़ के दूल्हा बने फिर गए। और इनका जो यहाँ से चंद्रमंड की बात है, चाहे हिसार लोकसभा की बात है, इसमें जो योगदान है वो आम किसान का और मजदूर का है, इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई योगदान नहीं है। नारायणगढ़ में भी हमारा सारा वोट बैंक वापिस आएगा, मैं आपके माध्यम से ये हमारे जो लोकदली वोटर हैं उनको ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि एक साजिश थी कि किसी तरह क्षेत्रीय दलों को समाप्त किया जाए, लेकिन आज रोकने का काम किया है तो अखिलेश यादव ने यूपी में किया है, ममता बनर्जी ने बंगाल में किया है, स्टालिन जी ने तमिलनाडु में किया है, और उद्धव ठाकरे और पवार साहब ने जो सबसे दूसरे नंबर का स्टेट महाराष्ट्र में, इनको रोकने का काम किया है, लालू यादव ने रोकने का काम किया है। ये तो पछली जो बंदड़ा गला पाछा नहीं चिमट जा रहा, बालक नहीं चिमट चिमट के कड़ियाँ 5 सीट ले ली, कड़ियाँ 7 सीट ले ली, कांग्रेस की पार्टी की जो सीटें आई हैं वो क्षेत्रीय दलों के सहयोग से आई हैं। हरियाणा में भी क्षेत्रीय दल को कमजोर करने की साजिश थी, और जो किसान नेता रहे हैं उनको परिवारों को भी खत्म करने की साजिश थी। तो जितने हमारे साथी सुन रहे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि ये चौधरी देवीलाल की बनाई हुई पार्टी है, उनकी विचारधारा की पार्टी है, वे सारे अपनी पार्टी के मजबूत करने में लग जाओ, यही आपका मान सम्मान है। और यदि आप दूसरे की पैंदे बैठ के या दूसरे के बाहर चौतरे पे बैठ के सम्मान महसूस करते हो तो फिर अलग बात है, लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि हमारा जो वोटर है वो आत्मसम्मानी है, और वो दोबारा से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत करने के लिए, जो देवलाल की विचारधारा को मजबूत करने के लिए और अभय सिंह चौटाला को मजबूत करने के लिए अपनी पार्टी के समर्थन में आएगा। 4 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव, ये कहते हैं सत्ता का सेमीफाइनल, ये सत्ता का सेमीफाइनल था, और इस चुनाव में लोकसभा में सभी जो आपके प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हुई है। यदि लोकसभा सत्ता का सेमीफाइनल होता तो भारतीय जनता पार्टी जिसने 79 सीटों पर लीड लेने का काम किया था और 10 की 10 सीट जीतने का काम 2019 में किया था, वो मुश्किल से 40 सीटें नहीं ले पाती, और जो कांग्रेस पार्टी मुश्किल से 5 विधानसभा क्षेत्रों में जीतती थी वो 31 सीट नहीं ले पाती। 2009 में जब कांग्रेस पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था और इंडियन नेशनल लोकदल की एक भी सीट नहीं आई थी, सारे हार गए थे, उसके बाद 32 सीटें नहीं आती, दोनों के मुद्दे अलग हैं। आज इस विधानसभा चुनाव में हमारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा है, सबसे बड़ा जो किसान आज नेता हरियाणा प्रदेश का, वो उसके नाम पे और हमारी नीतियों के नाम पे हम वोट मांगने का काम करेंगे और लोग हमारे को वोट देने का काम करेंगे। लोगों में चर्चा है कि कुरुक्षेत्र में और करनाल में अभय चौटाला ने चुनाव लड़के
भाजपा का साथ देने का काम किया है। ये तो जो कांग्रेसी पूंजीपति लोग हैं जो क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देना चाहते हैं उनका प्रचार है। जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कोई चुनाव नहीं लड़ेगी तो उसकी मान्यता खत्म हो जाएगी। इन्होंने ये प्रचार करके हमारे वोटर को भी बरगलाने का काम किया है। यदि आप चुनाव लड़ते हो तो कहते हो बीजेपी को फायदा पहुंचाना, मैंने आपको 5 सबूत दिए हैं और पहले के पिछले जो चुनाव उनके भी बहुत से सबूत हैं। इनके बारे में किसी कांग्रेसी ने बुलाया कि मेरे साथ बहस कराओ आप, जिसका कोई सत्र हो। ये सारी बातों में कोई भी झूठ निकल जाए, चाहे वो गुड़गांव की बात है, चाहे भिवानी की बात है, चाहे आपकी आपकी भी बात करा दूंगा। जिस आदमी ने कहा है जो ये कुरुक्षेत्र का हिसार का ट्रांसफर हुआ है, इसमें किस लेवल पर बात हुई है मैं नहीं कहता कि कोई जयप्रकाश जी का लेवल पर बात हुई है, पता नहीं इससे ऊंचे लेवल पर कोई बात हुई होगी, जब भी कोई बात हुई होगी। लेकिन आप पत्रकारों कह दी बात को शक है तो मैं उस आदमी से आपको मिलवा भी सकता हूँ। चर्चा की भी चल रही है कि चश्मा इन चला जाए। चश्मा जो 20-30 साल पुरानी पार्टियां हैं, जब बैल जोड़ी का निशान था और हैं, उनका भी बरकरार है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये विरोधियों का प्रचार है, कहीं नहीं जाएगा चश्मा। इंडियन नेशनल लोकदल भी कहीं जाएगी, हम अपना जोर शोर से अपनी लड़ाई लड़ने। इन लोगों के पास क्या क्या मुद्दे लेके आएगी विधानसभा चुनाव? सारे मुद्दे हमारे पास, किसान का मुद्दा है, मजदूर का है, बेरोजगारी का है, महिलाओं का है, हरेक मुद्दा है। रोहन साहब, इस चुनाव में देखने के लिए आया कि सभी राजनीतिक पार्टियों को धत्ता बताते हुए लोगों ने आके चुनाव लड़ा है। बिल्कुल, आपको ये बात मैंने तो बताई है खुद, अब ये चुनाव तो लड़ा है लोगों ने लड़ा है। ऐसे ऐसे लोगों को जितवा दिया जो इसी क्षेत्र से जिनकी जमानत जब्त हुई थी। तो इस बात को आप लेके चलोगे, वह इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी, आज तो वो भी जीतने लग रहे हैं दोबारा से, जिन्हें पहले यहीं से जमानत जब्त हुई थी। तो इंडियन नेशनल लोकदल के क्यों नहीं जीत सकते? राजनीतिक उम्मीदवारों को गांव में नहीं घुसने देना और उनका जोरदार विरोध करना, ये आगे राजनीति का हिस्सा बनेगा, इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, इसके बारे में तो हरेक जो पार्टी का सीनियर नेता उसने यही कहा है, मतदान के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। लेकिन किसानों में जो दर्द था, जो लाठियां उनके ऊपर बरसाई गई थी, जो आंसू गैस के घोड़े छोड़े गए थे, और अभी ताजा ताजा पंजाब के बॉर्डर पे जो हरियाणा पुलिस की ओर से जो अत्याचार किए गए थे, ये स्वाभाविक रूप से उनका एक रिएक्शन था। तो राजनीति भविष्य क्या देखते हैं आप? बहुत उज्जवल है, जोर शोर से लड़ाई लड़ने का जो मंत्र है ये चौधरी देवीलाल ने पूरी पार्टी को दिया हुआ है, लड़ेंगे। सर, आज इंडियन नेशनल लोकदल खत्म होने के कगार पे है, तो लोग इतने नाराज क्यों हैं? लोग नाराज नहीं हैं, लोगों को जिस तरह अभिमान साहब बता रहे थे, एक प्रचार के तहत अगर मोदी को हराना है तो कांग्रेस को वोट डाल दो, इस प्रचार में लोग आगे और इस वजह से उधर वोट डाल गए। और लोगों की आप देखोगे, अब इनका प्रत्याशी पूरा हरियाणा में कहीं भी गया है तो लोगों ने वोट नहीं दिए, उसका कोई विरोध नहीं था, उसका सम्मान कराया है हर जगह, जबकि भारतीय जनता पार्टी का और जसपा का पुरजोर विरोध हुआ है। आप किसी भी किसान से बात कर लो, आम किसान से, वो अभय सिंह की तारीफ करता मिलेगा आपको। प्रधान जी, चुनावी नतीजों के बाद इनेलो के कार्यकर्ता हौसला तो कमजोर नहीं होता? ये तो स्वाभाविक है, जब परिणाम आशा के अनुरूप नहीं आते तो एक बार निराशा आती है, लेकिन इतना मजबूत है हमारा कार्यकर्ता कि जल्द ही दोबारा लड़ाई लड़ने के लिए आपको मैदान में तैयार मिलेगा।